नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी है, सभी को हनुमान जयंती की, हनुमान जी के जन्मोत्सव की ढेरों 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 शुभकामनाएं। चैत्री पूनम मंगलवार के दिन है और हनुमान जी का जन्मदिन है, मतलब दोनों ही चीज़ का गजब का कॉम्बिनेशन है। मंगलवार का दिन और हनुमान जी का जन्मदिन और पूनम का दिन, मतलब भगवान राम का दिन, भगवान विष्णु का दिन। आज के दिन दोस्तों बिना भूले घर में भगवान सत्यनारायण की कथा सुननी चाहिए। आज के दिन से जो लोग रामायण का पाठ करना शुरू करते हैं, चाहे वो एक साल का नियम ले, चाहे 6 महीने का या 9 दिन का, बहुत गजब का रिजल्ट आता है। हनुमान जी आपके घर में हाजिर हुजूर रहेंगे। हाँ, हाजिर हुजूर से एक बात आपको बता दूँ कि पारद के हनुमान जी की छोटी सी मूर्तियाँ बनवाई हैं मैंने, बिल्कुल छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं, जिनको करंट कर दिया जाएगा हनुमान जयंती वाले दिन। इनको बड़ा सा यहाँ हवन होगा जिनमें इन मूर्तियों को रखा जाएगा ताकि ये मूर्तियाँ एक्टिव हो जाए। जो भी इन मूर्तियों को मंगवाना चाहता है, ऑर्डर बुक करवा दे, आप तक ये मूर्तियाँ आपके नाम से इस शक्ति को डाइवर्ट करके आप तक भेजा जाएगा। हनुमान जी कलयुग के हाजिर हुजूर देव। हनुमान जी की मूर्ति अगर आपके घर में है तो कोई तंत्र मंत्र भी, पारे की अगर मूर्ति आपके घर में है, तंत्र मंत्र होना संभव नहीं है, शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। घर से बाहर अगर आप जाते हैं, कभी ऐसा है कि 2-3 दिन का रास्ता है, रास्ते में आपको शत्रुओं का डर लग रहा है, भूत पिशाच नेगेटिविटी का डर लग रहा है, तो एक बॉक्स के अंदर इस मूर्ति को हमेशा अपने साथ में रखें। ये मूर्ति सदैव सदैव आपका साथ देगी। जो भी इसे ऑर्डर करना चाहते हैं इसे फटाफट ऑर्डर करें। ये अभी जितना स्टॉक में है उतनी ही मात्रा में लोगों को दी जाएगी, इसका स्टॉक ओवर हो जाएगा फिर इसकी कोई गारंटी नहीं है कब दूसरा स्टॉक आएगा, क्योंकि अमुक स्टॉक में ही अभिमंत्रित की जा रही है मूर्तियाँ। तो जब तक अवेलेबल रहेंगी, स्टॉक में रहेंगी, तभी तक आपको मिलेगी, ठीक है। और आज के दिन दोस्तों एक बहुत बढ़िया आपको उपाय बता रही हूँ, इस उपाय को जरूर जरूर करें, क्योंकि आज पूनम है, भगवान विष्णु का दिन है। भगवान विष्णु को केले बेहद प्रिय है। आपने सुना हुआ भगवान सत्यनारायण की कथा में कि भगवान को पके पके केले का प्रसाद चढ़ाने से, बंजीरी का प्रसाद चढ़ाने से वे बहुत प्रसन्न होते हैं। और लौंग हनुमान जी को बहुत प्रिय है। आज के दिन 11 केले ले लें, 11 केले लेना है, पके केले, और उसमें आपको 2-2 लौंग, मतलब लौंग का जोड़ा, फूल वाली लौंग लेनी है, ऐसे आप हाथ में लौंग लें, केला लें, लौंग लेकर के हनुमान चालीसा का पाठ करें और केले में उसको गाड़ दें। फूल वाला हिस्सा बाहर रखना है, जो डंडी है उसकी वो आपको केले में गाड़ देनी है। इस तरीके से आपको 11 केले में 2-2 जोड़े, मतलब 1-1 जोड़ा लौंग का, मतलब 2-2 लौंग आपको केले में गाड़ देने। ये क्रिया आप घर में बैठ करके, अपने मंदिर के सामने घर में बैठ करके भी कर सकते हैं, और 11 केले और 11 लौंग के जोड़े ले जा करके हनुमान जी के मंदिर में बैठ करके भी आप इस क्रिया को कर सकते हैं। जब आप 11 केले आपके रेडी हो जाए हनुमान जी की चालीसा से, मतलब हनुमान चालीसा से अभिमंत्रित हो जाए लौंग के साथ, तब आपको उस पर थोड़ी सी हल्दी छिड़क देनी है। हल्दी छिड़कते समय आपको राम 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 शब्द का कंटिन्यू, क्योंकि ये महामंत्र है, इसको शब्द बोलना ही मूर्खता है मैं तो कहूँगी। ये महामंत्र साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, साक्षात ब्रह्म ही है भगवान राम। तो राम के नाम से इन तमाम केलों को अभिमंत्रित कर दें और तमाम केले हनुमान जी को अर्पित कर दें। प्रत्येक केले को अर्पित करते समय राम 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 कंटिन्यू बोलते रहें और अपनी इच्छा 11 बार हनुमान जी के सामने खड़े होकर के बोलें। आप देखेंगे आपका काम बहुत जल्दी होगा। जहां भगवान राम और हनुमान जी दोनों विराजमान हैं वहाँ काम होते देर के। और एक बहुत अच्छी बात आपको बता दूं दोस्तों, जिन लोगों का ये कहना है कि स्टोन जब पहले हमारे पास आए थे, पाइराइट, ग्रीन एवेंचुरियन, सिट्रिन, कोई भी चीज़, अगर अब वो काम नहीं कर रही है किसी वजह से, कितनी बार ऐसा होता है सूतक लग जाता है, कितनी बार हमारे घर में ऐसे कोई ऐसे मेहमान आए होते हैं जिनके अंदर नेगेटिव ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा होती है, जो आपका भला नहीं सोच रहे होते, कितनी बार बाहरी ऊर्जा आपके घर में आ जाती है और इन चीज़ों पर पड़ जाती है, तो जो स्टोन से वो काम करना बंद कर देते हैं। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, जैसे एक गुरु है पुखराज,
हमेशा हर गुरुवार में इसको फिर से बार बार करंट करती रहती हूँ ताकि इसका काम करना कभी बंद ना हो। तो पत्थरों को जो भी आपने स्टोन्स मंगवाए हैं अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो काम कर रहे हो तो भी सेलेनाइट की पेट हमेशा अपने घर में रखें। जो भी स्टोन्स आपने मंगवाए हैं उसको इसके ऊपर रखकर 15 मिनट के लिए उत्तर दिशा में इसको रख करके छोड़ दें। आपका कोई भी स्टोन है तुरंत एक्टिव हो जाएगा, काम करने लग जाएगा। तो जरूर जिन्होंने भी स्टोन्स मंगवाए हैं इस पेट को जरूर मंगवा लें ताकि हमेशा आपके स्टोन काम करते रहें। जानकारी अच्छी लग जाएगी। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों शेयर करें। जय श्री कृष्ण।